रो गया बेटा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा तूने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी बेटा। सच में तो क्या हुआ था? हाँ तू नाराज है ना हमसे, गुस्सा है? हाँ गुस्सा है ना कि हमने ये सरप्राइज पार्टी में मतलब इसके बारे में तेरे को बताया नहीं, तो इसलिए नाराज है ना बेटा। बता ना बेटा बात क्या है, क्यों बोला तूने ऐसा? हाँ इतना बड़ा कदम तूने कैसे उठा लिया? हाँ क्यों किया? ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात थी बता ना बेटा, इतना बड़ा मजाक मत कर, मैं सह नहीं पाऊंगी बेटा। मैंने पहले भी कहा ना दादी, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने वाकई अपना अबॉर्शन करा लिया। क्यों? लेकिन क्यों मतलब, मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा है, मेरी जिंदगी में ये बच्चा आएगा ये नहीं, ये फैसला करने का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए। तू पागल तो नहीं होगी प्रज्ञा? अचानक तू ये सब क्या बोल रही, मेरा बच्चा मेरी जिंदगी, तू आखिर बोल क्या रही है? अचानक कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो हमेशा से ये बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग इस बच्चे की खबर से इतनी खुश थे कि मैं आप लोगों को सच बता ही नहीं पाई। लेकिन मैंने ये फैसला शुरू से ही कर लिया था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और जिस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार ही ना हो वो जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए ना। कैसे नहीं कर सकती ये जिम्मेदारी पूरी? तू कर सकती है, तू देख भी नहीं अभी भी कितना बड़ा बदलाव आ गया है, और बच्चे तू तो पहले से इतनी समझदार है, तू जिम्मेदारी पूरी कर सकती है, बहुत सुलझी हुई है तू, ये जिम्मेदारी तू कैसे नहीं निभा सकती बेटा? दादी आपकी सोच है, मेरी नहीं। प्रज्ञा झूठ बोल रही, तू कहना क्या चाहता है? प्रज्ञा झूठ बोल रही है? हाँ दादी ये झूठ बोल रही है, प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं। देखा दीदी, मैं ना कहती थी कि ये नाटक कर रही है, जरूर बात कुछ और है। अभी अब तूने इतना बता दिया है तो ये भी बता दे कि ये झूठ क्यों बोल रही है और हम बड़ों का दिल क्यों दुखा रही है। आप इनसे क्यों पूछ रही है? मैं कह रही हूँ ना, जो मैं कह रही हूँ वो सच है, ये झूठ बोल रहे हैं। तू चुप कर, बहुत बोल चुकी है, अभी इसे बोलने दे, अभी सच बोलेगा, और मुझसे तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। बता बेटा क्या बात है? दादी क्योंकि प्रज्ञा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तू ना प्रज्ञा को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। नहीं दादी मैं आपसे सच छुपा सकता हूँ दादी, लेकिन आपकी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता। प्रज्ञा ने देखा कि बच्चे को लेकर आपके ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है ना, तब प्रज्ञा ने मुझसे कहा था कि हमें आपको सच बता देना चाहिए, लेकिन मैंने ही प्रज्ञा को रोका। क्यों रोका तूने? दादी आपकी तबीयत जो हमेशा खराब रहती थी, बच्चे की खबर सुनने के बाद ठीक होने लगी थी। मुझे लगा कि अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी तबीयत अच्छी रहती है तो इसे ऐसे ही चलने दो। और जब आपने अपनी खुशी की अनाउंसमेंट सबके सामने की तो प्रज्ञा ने आपको शर्मिंदा होने से बचाने के लिए यह झूठ बोला कि उसने अबॉर्शन करा दिया। दादी प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा ना इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैंने उसे यह सब बोलने के लिए कहा, लेकिन आप इसने जो कहा इसने अपनी मर्जी से कहा, वो भी मुझे बचाने के लिए। मेरी गलती ना, अपने ऊपर लेना चाहती थी। प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है दादी, ये गलत थी ही नहीं।